स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1-10 को सॉल्व किया था। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि पहले तो आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हम आगे का टॉपिक ले रहे हैं, यानी एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 11 और 11 के आगे के क्वेश्चन लेंगे। क्लियर? तो चलिए, बिना विलंब किए, बिना देरी किए, बिना डिले किए हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए इक्वल टू 0.3 एंड पी बी इक्वल टू 0.6। फाइंड पी ए एंड बी, सेकंड ए एंड नॉट बी, थर्ड ए और बी, फोर्थ नाइदर ए नॉर बी। क्लियर? अब जरा देखिए स्टूडेंट, पहले हम लेते हैं पहला पार्ट। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आएगा पी ए इंटू पी बी। ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन है। फर्स्ट पार्ट लेते हैं पी ए एंड बी। अब ए एंड बी का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, और इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी आ गया। और पी ए और पी बी दे रखा है आपको 0.3 इंटू 0.6, दैट इज 0.18 हो गया। क्लियर? सेकेंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर? अब अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, आपको मैंने उसमें बताया था, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसका मतलब इसको लिख सकता हूं मैं पी ए इंटू पी बी डैश। क्लियर? तो पी ए की वैल्यू कितनी है 0.3 और पी बी डैश कितना हो जाएगा 1 माइनस पी बी, और 1 में से अगर इसको घटाओगे तो 0.4 आ गया, तो दैट इज 0.12 हो गया। क्लियर? थर्ड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। अब ए और बी का मतलब यूनियन हो गया। क्लियर? और यूनियन का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी आ गया। ए की प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.6 माइनस 0.3 इंटू 0.6, या हम इसके प्लेस पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते थे, तो ये हो गया 0.9 माइनस 0.18, तो कितना आ जाएगा 2 और 7, तो ये 0.7। पार्ट आपका लेते हैं स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी। इसका मतलब क्या है, नाइदर ए नॉर बी का मतलब ना ए है और ना ही बी है, यानी वो ना में ए में है ना ही बी में है। तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा ए और बी घटा दीजिए तो ए और बी, इसका मतलब हो गया 1 माइनस पी ए यूनियन बी। क्लियर? अब 1 माइनस पी ए यूनियन बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना 0.72, तो इसका मतलब ये आ गया 0.28। क्लियर? लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। इट मींस जब हम डाई को 3 बार थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं, तो हमें तीनों बार में कम से कम एक ऑड नंबर जरूर चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब इसको देखिए, मैं अगर ये कहूं कि एटलीस्ट वंस का मतलब है कि 3 बार कर रहे हैं तो 1 बार आ सकता है ऑड नंबर, 2 बार आ सकती है और तीनों बार आ सकती है, तो क्या बचता है कि 1 बार भी नहीं आ रहा ऑड नंबर। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ये कहूं कि या तो 1 के लिए 1 बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो इनके लिए निकालकर एड कर दो, या फिर 0 के लिए निकालकर 1 में से माइनस कर दो। तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, एटलीस्ट वन ऑड नंबर, एटलीस्ट
वन ऑड नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको लिख सकता हूं वन माइनस पी ऑफ नो ऑड नंबर। क्लियर। अब वन माइनस नो ऑड नंबर का मतलब क्या है कि तीनों बार इवन नंबर आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। क्लियर। तो इसका मतलब वन माइनस इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट, इवन नंबर आने की होगी 3/6 यानी 1/2, क्योंकि तीन बार इवन नंबर होती है तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1 माइनस 1/8 इट मीन्स 7/8। क्लियर। देखिए स्टूडेंट यहां पे कह रहा है 13 क्वेश्चन, टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, यहां पे एक वर्ड आ रहा है विद रिप्लेसमेंट, इसका मतलब हर बार की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड एंड थर्ड वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो अगर मैं ये कहता हूं कि अगर दोनों बार की प्रोबेबिलिटी सेम है तो इसका मतलब हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 10 अपॉन टोटल 18 है, 2 5 10 2 9 18 यानी 5/9, और रेड आने की प्रोबेबिलिटी 8/18 यानी 4/9। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, बोथ बॉल्स आर रेड, बोथ बॉल्स आर रेड, तो बोथ बॉल्स आर रेड का मतलब दोनों बार रेड आ रही है तो इसका मतलब 4/9 इंटू 4/9 तो दैट इज 16/81। सेकेंड क्या कह रहा है, फर्स्ट इज ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक एंड सेकेंड रेड, तो फर्स्ट ब्लैक का मतलब पी बी इंटू पी आर। क्लियर। यहां फिक्स हो गया, पहली ब्लैक है दूसरी रेड है तो इसका मतलब ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 5/9 इंटू 4/9 तो दैट इज 20/81। क्लियर। अब थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हो सकता है कि पहली ब्लैक आ जाए दूसरी रेड आ जाए, या उल्टा हो सकता है पहली रेड आ जाए दूसरी ब्लैक आ जाए। यहां तो फिक्स हो गया था कि पहली ब्लैक है दूसरी रेड है। क्लियर। तो इसका मतलब यहां से ब्लैक आने की 5/9, रेड आने की 4/9 प्लस 4/9 इंटू 5/9 तो दैट इज 20/81 प्लस 20/81 इट मीन्स 40/81। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली, इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व और एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो देखिए स्टूडेंट मैं मान लेता हूं कि ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। क्लियर। अगर मैं ये कहूं कि ए के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, और बी के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। क्लियर। अब फर्स्ट पार्ट अगर मैं लेता हूं यहां से, प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम इज सॉल्व तो कितनी आएगी, प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब होता है देखिए दो बच्चे एक साथ एक बैठ के अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ए ने की तब भी सॉल्व हो जाएगी, बी ने की सॉल्व हो जाएगी, और दोनों ने की तब भी सॉल्व हो जाएगी,
क्लियर। तो इसका मतलब आइदर ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम और बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और ए और बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ए एंड बी आर कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो इसका मतलब पी ए का मतलब 1/2, 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3, एलसीएम इज 6, तो 3 × 2 = 6 प्लस 2 × 3 = 6 माइनस 1, तो दैट इज 4/6, इट मीन्स 2/3। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब 2/3, क्लियर। अब दूसरा क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो एग्जैक्टली वन का मतलब कितना है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम का मतलब है कि ए ने की बी ने नहीं की, या ए ने नहीं की और बी ने की, क्लियर, दिखाई दे रहा है आंसर, ओके। तो ए का मतलब क्या है, 1/2, और बी नॉट का मतलब क्या है, दैट इज 2/3 प्लस ए नॉट का मतलब 1/2 और बी का मतलब 1/3, तो दैट इज 2/6 प्लस 1/6, तो इट मीन्स 2 और 1 3/6, तो दैट इज 1/2, क्लियर। तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी 1/50 लेते हैं स्टूडेंट। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। फर्स्ट कार्ड दे रखा है, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड ई एंड एफ द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो पहला ही पार्ट लेते हैं स्टूडेंट, तो देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले तो हमारा जो एन एस होगा वो हमारा 52 होगा, क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स हमारे टोटल 52 होते हैं। अब एन ई कितना होगा, ई में है द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, स्पेड में होते 13, और एफ क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, एस कितने होते हैं 4। अब अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ में निकालूं तो एस में स्पेस और एस में क्या कॉमन होता है, केवल एक कार्ड कॉमन होता है, यानी स्पेड का एस, तो इसमें एक आएगा केवल। तो इसका मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालूं तो 13/52 आएगा, दैट इज 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं तो 4/52 होगा, यानी 1/13, और ई इंटरसेक्शन एफ निकालता हूं तो वो आएगा आपका कितना, 1/52। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ई और एफ का प्रोडक्ट इंटरसेक्शन के इक्वल आ रहा है, क्लियर, यानी पीई इंटू पी एफ इक्वल टू 1/4 इंटू 1/13 इक्वल टू 1/52। इसका मतलब कितना हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई और एफ की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इंटरसेक्शन एफ, तो इसका मतलब यहां तो यस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब जरा सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में कह रहा द कार ड्रॉन इज ब्लैक, तो ब्लैक में कितने होते हैं टोटल 26, द कार ड्रॉन इज किंग, किंग कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं, क्लियर। अब ई इंटरसेक्शन एफ में अगर मैं लेता हूं तो ब्लैक कार्ड में और किंग में कितने कॉमन होते हैं, 2 होते हैं, तो यानी ये हो गए हमारे 2, एक स्पेड का हो जाएगा किंग और एक क्लब का हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं तो 26/52, दैट इज 1/2।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालता हूं तो 4/52 दैट इज 1/13। क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं तो 2/52 दैट इज 1/26। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं हम तो 1/2 इंटू 1/13 तो कितना आ जाएगा 1/26। और यही 1/26 क्या है ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसका मतलब यहां भी आपका यस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब जरा थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं। ई क्या है द कार ड्रॉन इज ए किंग और ए क्वीन। किंग भी हो सकती है और हो सकता है और क्वीन भी हो सकती है। तो किंग भी चार हो गए और क्वीन भी चार हो गए तो इसका मतलब एन ई इक्वल टू हो गया 8। इसी प्रकार एन एफ, एफ क्या दिया है द कार ड्रॉन इज ए क्वीन और जैक तो इसी प्रकार क्वीन भी चार हो गई और जैक भी चार हो गई। अब ई इंटरसेक्शन एफ में कितना कॉमन आएगा देखिए यहां पे किंग और क्वीन है यहां पे क्वीन और जैक है तो कॉमन आ गई आपकी क्वीन यानी 4 आ गई। क्लियर। प्रोबेबिलिटी ई निकालता हूं तो 8/52 यानी 4 × 2 = 8 और 13 यानी 2/13 आ गया। एफ निकालते हैं तो ये भी 8/52 यानी ये भी 2/13 हो गया। क्लियर। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं तो इंटरसेक्शन एफ में कितना है 4/52 तो यानी ये 1/13 हो गया। अब पीई इंटू पी एफ अगर निकालते हैं तो पीई इंटू पी एफ कितना हो गया 2/13 इंटू 2/13 तो ये हो गया 4/169 विच इज नॉट इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एफ। तो इसका मतलब नो ई और एफ ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 लेते हैं स्टूडेंट। इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर्स, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम पार्ट ए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। पार्ट बी इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड लास्ट इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। क्लियर। तो इसका मतलब देखिए यहां पे अगर मैं इंग्लिश के लिए ई मान लेता हूं और हिंदी के लिए एच मान लेता हूं तो इंग्लिश हिंदी के लिए इंग्लिश के लिए ई है तो 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर तो यानी 40/100 तो इसका मतलब 2/5 आ जाएगा। क्लियर। हिंदी 60% स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर तो इसका मतलब 60/100 दैट इज 2 × 3 = 6 2 × 5 = 10 यानी 3/5। क्लियर। और तीसरा पार्ट कह रहा है कि 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश तो इसका मतलब ये आ गया पी ई इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन ये एक ही बात है कुछ भी कह सकते हो। क्लियर। तो कितना आएगा ये दैट इज 20% इसका मतलब 20/100 दैट इज 2/5 यानी 1/5 सॉरी। क्लियर। तो इंग्लिश की हिंदी की और इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी की प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई है। अब फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। आपको ये लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश का मीनिंग क्या है। नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश का मतलब है नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी इट मींस दैट इज 1-, यानी ना हिंदी है ना इंग्लिश है तो उसको 1 में से घटा दीजिए हिंदी इंग्लिश के लिए यूनियन निकालकर इंग्लिश यूनियन हिंदी। ठीक है। लेकिन आपको इसके लिए पहले यह निकालना पड़ेगा। अब इसका मीनिंग क्या है
हम यहां से निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश यूनियन हिंदी का मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज 2/5 हिंदी कितना है 3/5 माइनस बोथ कितना है 1/5 तो 2 और 3 5 माइनस 1 दैट इज 4/5 तो ये हो गया हमारा पी इंग्लिश यूनियन हिंदी। अब आपको निकालना क्या है निकालना है आपको ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी इसका मतलब हो गया 1 माइनस पी ई यूनियन एच तो इसका मतलब 1 माइनस यूनियन की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी दैट इज 4/5 तो इसका मतलब हो गया हमारा 1/5 क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की सेकंड पार्ट हमारा क्या है सेकंड पार्ट है हमारा इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर तो इसका मतलब हिंदी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सॉरी हिंदी दिया हुआ है और इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है यानी आपको इंग्लिश बाय हिंदी निकालना है क्लियर। तो यानी पी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर की व्हेन हिंदी न्यूज़पेपर वो ऑलरेडी रीड करता है तो पी बाय एच निकालना है इसका मतलब पीई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच तो इट मींस कितना है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 1/5 और अपॉन एच की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5 5 से 5 कैंसिल हो गया दैट इज 1/3 क्लियर। अब सी पार्ट क्या कहता है कि इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर तो यानी अब की बार एच बाई ई निकालना है तो ये भी आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी ई आ जाएगा क्लियर। तो क्योंकि ई अपॉन में आ रहा है तो ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है इंटरसेक्शन की 1/5 और इंग्लिश की कितनी दे रखी है हमें 2/5 5 से 5 कैंसिल हो गया दैट इज 1/5। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों ही एमसीक्यू क्वेश्चन है तो एमसीक्यू में आप देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 17 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड इज ए 0 बी 1/3 सी 1/12 एंड डी 1/36 तो पहले 17 ही लेते हैं स्टूडेंट। 17 क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड तो पेयर ऑफ डाइस का जब हम रोल करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट आएंगे इवेंट्स आएंगे आउटकम्स आएंगे क्लियर। तो अब ए को अगर मैं इवेंट मान लूं कि ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई आप जानते हो कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक होती है दैट इज इक्वल टू 2 प्राइम नंबर बहुत होती है लेकिन इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक होती है 2 तो इसका मतलब दोनों डाई पर हमारा कितना आएगा 2-2 आएगा। अब ये इवेंट केवल एक हो सकता है उससे अलग नहीं हो सकते क्लियर। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो दैट इज 1/36 आ जाएगा और देखिए जरा कौन सा पार्ट सही है हमारा इसका डी पार्ट सही है क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 कह रहा है कि टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ ए ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पी बी पी ए डैश बी डैश इक्वल टू 1-PA × 1-PB सी पी ए इक्वल टू पी बी एंड डी पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1। आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंट का एक्सक्लूसिव से कोई रिलेशन नहीं है क्लियर। उसके बाद दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो ये जरूरी नहीं है कि उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगी। सेकंड थर्ड ए और बी की प्रोबेबिलिटी का सम केवल तब 1 आ सकता है जब वो नॉट ए और नॉट ए और नॉट ए होगा मींस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे उसका भी इंडिपेंडेंट से कोई मतलब नहीं है तो तीन पार्ट तो हमारे सही नहीं है। अब देखते हैं कि सेकंड पार्ट ये बी वाला पार्ट सही है या नहीं है। आप जानते हो स्टूडेंट इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आता है
यानी ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे अगर उनकी उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उन दोनों की प्रोबेबिलिटी के इनटू में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, प्रोडक्ट में आ जाए। तो और एक चीज आपको और भी बताया था कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ए और बी डैश भी होंगे, ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे और ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो देखिए यहां पे ए डैश बी डैश लिखा हुआ है, तो पहले हम इसी को देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, यानी पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये देखिए यहां पे जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, ए डैश बी डैश का मतलब होता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी ए बी लिखा होता है इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन लिखा हुआ है मतलब पे, क्लियर। अब अगर हम ये दिखा दें कि ये पी ए डैश इंटू पी बी डैश के इक्वल है तो पॉसिबल हो जाएगा हमारा, देखिए कितना आएगा, इसको हम लिख सकते हैं कितना, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। अगर ए डैश बी और बी ए बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी इंडिपेंडेंट होंगे, क्लियर। अब इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस पी ए, और पी बी डैश को लिख सकते हैं वन माइनस पी बी। तो देखिए हमारा यही प्रोसीजर यही आ गया हमारा, वन माइनस पी ए इंटू वन माइनस पी बी, तो इसका मतलब इसका हमारा बी पार्ट सही है। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 13.2, और 13.2 में आपने देखा कि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो इंडिपेंडेंट इवेंट के, एक क्वेश्चन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का आया था, और बाकी जो टॉपिक आए थे वो टॉपिक हमारे आए थे ए और बी, ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए बट नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी, नाइदर ए नॉट बी, तो ये बहुत सारी चीजें थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक और ये एक्सरसाइज पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्टूडेंट वो आएगा हमारा बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी, क्लियर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं इसके, बहुत ज्यादा आते हैं, क्लियर, हर बार आते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए